राम राम, नमस्कार। बघेलखंड के लोगन का हम दिल से स्वागत करी थी अपने चैनल पर। और आज के ये वीडियो हम चाहिए थे कि अपना पंचायत देखी और एक माध्यम से कुछ अगर आप लाभ ले सके तो वह लाभ जरूर लें। भैया बनी, अपना पंचायत जाना थो कि आज के समय पर दांतन में बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। टूथपेस्ट तो बाजार में बहुत तरह के आए हैं, लेकिन वो जो उन कहा थे कि पेस्ट करे से ये फायदा मिली, शायद है कि अपना पंचायत के होकर फायदा लीन है। तो आज हम एक ऐसा पेस्ट के बारे में अपने पंचन को बतावे वाले हैं कि जो कोनो साधारण पेस्ट न हो, बहुत ही असरकारक पेस्ट है। और ए पेस्ट के करे से दांतन के हर तरह के समस्या से छुटकारा अपने पंचे ले सके थे, चाहे फिर वो कोनो मेर के हो, चाहे दांत से खून आ रहा हो, पायरिया हो गए हो, या सांस से बदबू आ रही है, या मुंह में छाला हो रहे हैं। यानी अपना पंचे सोची कि दांत के जौन समस्या हो सका थी मुंह के, या फिर जैसे ज्यादा गुटखा या पान के सेवन करे से मुंह नहीं खुलता, या दांतन में गंदगी जमा हो जाती, तो कौनो मेर के समस्या है। अगर उसे छुटकारा पावे चाहिए तो अपना पंचे या टूथपेस्ट के बारे में जरूर जानकारी ले और हमारी वीडियो पूरा जरूर देखा। और वीडियो में जानकारी कैसन लगी है कमेंट करके अपना पंचे हमका जरूर बताओ। तो ये टूथपेस्ट के नाम है गैनोजी टूथपेस्ट। गैनोजी टूथपेस्ट में गैनोडर्मा एक जड़ी बूटी मिली है, जिका चरक संहिता में छत्रक के रूप में माना गया है और संजीवनी बूटी के दर्जा तक दीन गया है। और ए पेस्ट के साथ में जो झाग के बने वाला केमिकल होता है, जो दूसरे पेस्टन में डला होता है, अपना पंचे का कभू सोचन कि आखिर टूथपेस्ट में झाग के क्या जरूरत है। भाई झाग तो जो हम पचे कपड़ा साफ करी थे या बर्तन साफ करी थे या हैंड वॉश यूज करी थी ओम है होता है, तो टूथपेस्ट में क्या जरूरत झाग के। पर ठीक है, सफाई के अनुभव लेखी थी झाग के ओमा केमिकल उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ये केमिकल अगर हम ज्यादा समय तक यूज करब तो कहां न कहां हमारे दांतन का नुकसान देते हैं। एक अलावा अगर अपना देखब तो ये जो झाग वाला केमिकल है ये गैनोजी टूथपेस्ट में नहीं आए। एक अलावा मार्केट में मिले वाले जो अन्य टूथपेस्ट है, हम नाम नहीं ले चाहे लागा है, लेकिन सगले टूथपेस्टन में फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है। एक अलावा मीठा होता है। भाई टूथपेस्ट में मिठास के क्या जरूरत, भाई काओ का खाए है हमका तो दांत साफ करे है, तो दांत साफ करे की तीन मिठास के कोनो जरूरत नहीं। और अपना पंचन का जान के आश्चर्य हुई कि नॉर्मल टूथपेस्ट में सैकरीन नाम की एक आर्टिफिशियल मिठास जुड़ी होती, जो उन चीनी से या शक्कर से 300 गुना ज्यादा मीठी होती। अब अपने पंचे खुद सोच के बताए कि डायबिटीज आज के समय में कितना तेजी से फैल रही है। अब अगर हम पचे शक्कर नहीं खाए, चाहे कि भैया जेका डायबिटीज है वो शक्कर ना खाए, लेकिन अपना पंचे खुद सोची कि इन टूथपेस्ट में ये सैकरीन इतना मीठा होता है कि हम पचे सुबह सुबह खाली पेट मिठास के खा ली है, तो कितना ज्यादा नुकसान करी। लेकिन एक एनोजी टूथपेस्ट में यह सैकरीन नाम की मिठास नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल मीठा नहीं है। और साथ में जो सिलिका होता है वह नहीं आए, एक ठे अलग केमिकल होता है पैराबेन वह नहीं आए। तो इमेर के जोन नॉर्मल साधारण टूथपेस्ट बाजार में मिला था वहां सिलिका रहा था, सोडियम लॉरेल सल्फेट रहा था झाग बनावे की तीन, साथ में पैराबेन रहा था, फ्लोराइड रहा था, तो ये सब चीजें यह गैनोजी टूथपेस्ट में नहीं आए। तब अपन अपन जो सोचा था कि फिर का है पेस्ट में, तो भाई ए पेस्ट में है पेस्ट बनावे की तीन जो केमिकल जरूरी होता, जैसे कि में सोडियम लोरॉयल सार्कोजिनेट है, ए में गैनोडर्मा है, ए में जायलोटॉल है मिठास की तीन, और सबसे अच्छी बात के में पुदीन हरा है। और ये सब चीजें मिलके हमारे दांत का साफ सुथरा रखा था। अगर मुंह से दुर्गंध आ रही है, बैड ब्रीथ आ रही है, तो ओहो करो का थे या पुदीना। साथ में ये जो गैनोडर्मा मिला है ये औषधि इतनी चमत्कारिक है कि यह हमारे दांतन के हर तरह के समस्या में फायदा करे थे, चाहे फिर छाला हो रहा हो तो जल्दी से भर देते हैं, या फिर अगर दांत सड़ रहे हैं तो के सड़न कर रोके के काम करत है, या ब्लड निकल रहा है तो ओहू का कंट्रोल करे के काम करत है, पायरिया की समस्या बढ़ रही हो ओहू का रोके काम करत है। तो इतने तीनों मुख्य तत्व हैं गैनोडर्मा, जायलोटॉल और मेंथॉल यानी कि पुदीना, ये सब मिलके हमारे दांत के पूरा ध्यान रखा था और कोनो मेर के नुकसान नहीं आए। सबसे अच्छी बात ये गैनोजी टूथपेस्ट के कि यह हमका पचन का कोनो मेर के नुकसान नहीं दे।
और मान ली अपना पंचन से हम या स्वयं अनुभव के तौर पर बता सकी थी कि ये पेस्ट का काफी समय से यूज कर रहे हैं ना, और अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कोनो मेरे के दांतन की समस्या नहीं हो रही है। और एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट है कि का छोटे बच्चनों को यूज करा सकी थी, बड़े बुजुर्गनों सबको यूज कर सका था, कोनो मेरे के का नुकसान नहीं है। तो अपना पंचन से अनुरोध है कि जौन पेस्ट अपना अब तक करत रहन ओका 1 महीना की दिन छोड़ के कम से कम जीवन में एक बेर या गैनोजी टूथपेस्ट जरूर उपयोग करी और फिर एक लाभ ले। और जो यूज कर रहे हैं पहले से वो कमेंट के माध्यम से हमका अपना अनुभव जरूर बतावे कि ये गैनोजी टूथपेस्ट का यूज करे से उनका का बेनिफिट मिला है। यह हमारा पहला वीडियो रहा, खास करके हमारे बघेलखंड के भाइया बहनिन खीतिन समर्पित रहा। हम सोचन के अपना पंचन खीतिन एक अपने जौन हमारे मातृभाषा आए बघेली ओ भाषा में वीडियो बनावा जाए, ताकि हम बघेलखंड के वो पूरे विंध्य क्षेत्र के निवासियन से जुड़ सकी जे शायद अभी हमसे नहीं जुड़े आए। अपना से अनुरोध है कि हमारे वीडियो देखी और एक सब्सक्राइब करी, अपने विंध्य के बेटी का आगे बढ़े में सहयोग करी, और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करो। चलिए तब तक एक मिलब एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना पंचे स्वस्थ रही। राम राम, नमस्कार।